मैं आप देखिए पलवल, आप अब देखिए पलवल की जो घंटों की दूरी थी वो मिनटों की रह गई भाई। लेकिन अंदर काम चल रहा है, आप निश्चिंत रहो, पलवल का अंदर का काम, पानी निकासी का भी, सीवर का भी सब होगा। पलवल बताओ, पलवल नहीं, मैं आज मैं एक एक, एक शहर के काम गिनाने नहीं आया। अब कहो तो मैं पलवल के काम भी गिना दूं, गिना दूं, बोलो आप कहो तो पलवल में जो हुआ गिना दूं आपको भी। लेकिन भाई आपके पास इतना स्पेस ही नहीं होगा, मैं बोल तो इतना दूंगा। आप कहो तो पलवल में जो हुआ गिना दूं आपको भी, लेकिन भाई आपके पास इतना स्पेस ही नहीं होगा, मैं बोल तो इतना दूंगा। लेकिन भाई आपके पास इतना स्पेस ही नहीं होगा, मैं बोल तो इतना दूंगा, मैं बोल तो इतना दूंगा, मैं बोल तो इतना दूंगा। देखिए हाँ, देखिए 25 कोई बात नहीं, आपने आपने बता दिया, आपने संज्ञान में डाल दिया, करेंगे उसको कार्रवाई। देखिए अपनी 25 तारीख को गदपुरी टोल पे लोकसभा की रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस रैली को संबोधित करेंगे, मुख्य अतिथि वो हैं, साथ में डॉक्टर बनवारी लाल जी भी आ रहे हैं उनके। ना वो नहीं, वो गुड़गांव आए हैं, गुड़गांव। तो मैं आपके माध्यम से पूरे पल हैं, आपने कहा लड़कियों के लिए पलवल में कॉलेज बनवाए हैं और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाई है, बिल्डिंग बनवाने से तो इलाज नहीं होता, कॉलेज बनवाने से लड़कियां नहीं। वो कह तो थी भाई, दो दो टीचर है केवल, मात्र दो दो टीचर है जिनके पीछे कॉलेज चल रहा है, देखिए वो है अभी नई भर्ती हो रही है पीजीटी टीचर का, पता है सारी भर्ती निकाली हुई है अभी भाई, आप रोज पढ़ते हो। आपने कहा रख देंगे, हमें क्या दिक्कत है, आपने कही मुझे रखने में रख देंगे भाई, आपकी आपकी भावनाएं में मन से रख दूंगा। चलो नहीं, आपकी जायज मांगे बहुत जायज है। बच्चे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वोकल फॉर लोकल के लिए हमें इतना सहयोग आपका जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।